फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। आज जानेंगे मोर पंख के बारे में, मोर पंख के क्या क्या फ़ायदे हैं और किस तरह ये आपके जीवन से सभी समस्याएं खत्म कर सकता है, तो इस वीडियो में जानने की कोशिश करते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मैं वीडियो शुरू करी इससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आप सभी से कि अगर आपने हमारे भी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करिए, और वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर भी करिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वास्तुशास्त्र किसी भी व्यक्ति के जीवन में बहुत ही महत्व रखता है। अगर घर का वास्तु सही हो तो घर खुशियों से भी भर जाता है, अगर घर का वास्तु गलत हो तो बहुत सारी जीवन में परेशानियां भी आने लगती है। तो आज हम जानेंगे मोर पंख के बारे में, मोर पंख से जीवन से कौन कौन सी समस्याओं को खत्म किया जाता है, ये वन बाई वन करके मैं आपको बताने वाली हूँ। कुछ 7-8 मैं उपाय 10 बताऊँगी, इसको आप ध्यान से सुनिएगा, ये आपके बहुत ही काम आ सकते हैं। आप कोशिश करके इसे नोट कर लीजिएगा, आपके जीवन में कभी भी फायदे करेंगे, कभी भी ये आपके जीवन में काम आ सकते हैं मेरे द्वारा ये बताए गए उपाय। तो चलिए नंबर एक की बात कर लेते हैं। मोर पंख नंबर एक है, मोर पंख घर में खुशी और शांति लाता है। इसके लिए इसे दक्षिण और पूर्व कोनों में रखने से आर्थिक तंगी जो भी है वो खत्म होती है, यानी आर्थिक स्थिति आपकी अच्छी रहती है। सेकेंड नंबर है, मोर पंख घर में रखा जाए तो घर की सारी नेगेटिव एनर्जी जो है वो सब खत्म होकर सकारात्मक जो ऊर्जा प्रवाह है वो बहने लगता है। तीसरा नंबर में हमारा आ जाता है, जो उपाय मैं बता रही हूँ वो ध्यान से सुनिएगा। माना जाता है कि अगर मोर पंख घर में रखा जाए तो उससे डर कर सांप कभी भी नहीं आता है। जी हाँ, ये बहुत ही प्रचलित उपाय है, ज़्यादातर लोग इस उपाय को अपने घरों में इसीलिए करते हैं ताकि उनके घर में सांप जो है वो नहीं आए। चौथा नंबर का उपाय है, आप ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, मैं जो उपाय बता रही हूँ इसको आप अपने जीवन में ज़रूर एक बार ज़रूर लागू करिएगा, क्योंकि अगर आपके जीवन में कोई भी समस्या है तो मोर पंख से उसका समाधान हो सकता है। मैं बहुत ही आसान उपाय अपने इस चैनल पे ही वीडियो पे बताती हूँ, तो चलिए बने रहिए, बताते हैं आपको चौथा नंबर का उपाय। चौथा नंबर का उपाय भी बहुत खास है, घर के साथ साथ अगर मोर पंख कोई भी व्यक्ति अपने पास में रखता है, यानी अपने जेब में रखता है या फिर दुकान में कहीं पे भी गले के पास रखता है, गले में रखता है, तो उसके जीवन में कुछ भी अनिष्ट नहीं होता है, साथ ही साथ धन की बरकत भी बढ़ी रहती है। यानी कुल कहने का मतलब है कि अमंगल कभी नहीं होता है, साथ ही आर्थिक स्थिति भी अच्छी होने लगती है। पांचवा नंबर का उपाय ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, अगर मोर का पंख सिर पर लगाया जाए तो इससे विद्या भी आती है, यानी अगर ऐसा ना कर पाए तो सिर पे आजकल कौन लगाता है, तो आप ये कर सकते हैं कि विद्या प्राप्ति के लिए मोर पंख को कॉपी या किताब होता है जो नोटबुक होता है उसमें भी रखा जा सकता है, इससे भी विद्या प्राप्ति के रास्ते खुलने जाते हैं, यानी जो शिक्षा होता है उसमें सफलता प्राप्त होती है। खासकर ये उपाय उन स्टूडेंट के लिए है, उन बच्चों के लिए है जिनका मन पढ़ाई में बिल्कुल भी नहीं रखता, तो इस उपाय से ये उपाय करने से उनके जीवन में बहुत ही सकारात्मक परिवर्तन देखने को मिलते हैं। छठा नंबर का मैं उपाय आपको बता रही हूँ, आप ध्यान से सुनिएगा, अगर घर के मुख्य द्वार पर मोर पंख लगा दिया जाए तो बुरी हवाएं जो भी या फिर बुरी नेगेटिव एनर्जी है वो कभी भी घर में प्रवेश नहीं कर पाती, और अगर प्रवेश कर भी चुकी है तो वो इसके प्रभाव से भाग जाती है, यानी निकल जाती है। दोस्तों, सातवां नंबर का मैं उपाय बताऊं, इससे पहले एक और बात क्लियर कर दूं कि अगर आपको मोर पंख नहीं मिल पा रहा है कहीं पे भी, अगर आपके आसपास आप ऐसे एरिया में रहते हैं जहाँ पे मोर पंख अवेलेबल नहीं है, तो आप चाहे तो इसे ऑनलाइन भी परचेज कर सकते हैं। आजकल अमेजोन फ्लिपकार्ट, मैं किसी कंपनी का प्रमोशन नहीं कर रही हूँ, लेकिन जब भी मुझे ज़रूरत रहता है तो कभी कभार मैं मोर पंख को ऑनलाइन साइट से भी मंगा लेती हूँ, क्योंकि ऐसे जनरल खोजने में कभी मिल नहीं पाता है, कभी मिलता है या फिर त्यौहार को दिनों में ही मिल पाता है। तो चलिए छठे 7वें नंबर का उपाय मैं बताती हूँ, आप सारे उपाय को नोट कर लीजिए तो बहुत ही अच्छा रहेगा, आपके लिए बहुत ही काम आने वाला है। 7वां नंबर का जो उपाय है दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा, अगर घर में किसी बच्चे का, छोटा नवजात बच्चे का जो होते हैं उनका अगर जन्म हुआ है, तो एक चांदी के ताबीज में मोर का पंख डालकर उस नवजात बच्चे को अगर पहना दिया जाए तो उसे किसी की भी बुरी नज़र यानी कोई दृष्टि नहीं लगती, और बच्चा बिल्कुल भी स्वस्थ और अच्छा रहता है। 8वें नंबर का उपाय भी बहुत खास है, ये बहुत ही खास है, इतना खास है कि इस उपाय के आगे सब उपाय फेल है। अगर आप कोई उपाय हर उपाय करके हार चुके हैं और आपका छोटा जो बच्चा है वो बहुत ही ज़िद्दी होता जा रहा है,
कई बच्चे ऐसे रहते हैं 10 साल के भीतर के, वो इतने ज़िद्दी हो जाते हैं, कभी बात ही नहीं सुनते हैं, ना उनका पढ़ने में मन लगता है, ना खाने पीना चाहते हैं, बस खेलना और अपना जिद करना चाहते हैं। तो उसके लिए मैं बहुत ही छोटा और अच्छा उपाय बता रही हूँ मोर पंख के ऊपर ही क्या करना चाहिए। इन सब लाभों के साथ साथ माना जाता है कि अगर आपका बच्चा ज़िद्दी है तो मोर पंख छत के पंखे पर या पंखे के डैने पर भी लगा दिया जाए, तो जब भी पंखा चलेगा बच्चे को, जब भी इसका हवा लगेगा, यानी पंखे का जब भी हवा लगेगा मोर पंख आपने उस पर लगाया, तो धीरे धीरे आपके बच्चे का जो ज़िद्दीपन है वो कम होता जाएगा और व्यवहार में काफ़ी सुधार आपको देखने को मिलेगा। दोस्तों 9वें नंबर का उपाय भी बहुत ही अच्छा माना जाता है, अच्छा है। तो 9वें नंबर का उपाय क्या है? आयुर्वेद के अनुसार 9वें नंबर का उपाय जो मैं बता रही हूँ, आयुर्वेद में मोर पंख को बहुत ही फायदेमंद माना जाता है। इस मोर पंख से दम्मा, लकवा और बासपन का एक सफल उपचार माना जाता है। जी हाँ, मोर पंख कई तरह की बीमारियों से भी रक्षा करने के साथ साथ बहुत सारे जीवन में जो खुशियाँ होती है वो दिलाने में कामयाब है। तो इसका प्रयोग हमें जीवन में ज़रूर करना चाहिए। दोस्तों अब मैं आपको सबसे लास्ट नंबर का बता रही हूँ, यानी 10 नंबर का आपको उपाय बता रही हूँ, ध्यान से सुनिएगा। 10 नंबर का जो उपाय है, माना जाता है कि 10वें नंबर के उपाय में जो बता रही हूँ, माना जाता है कि अगर मोर के पंख को घर के पूर्वी या उत्तर पश्चिम की दीवार या फिर जेब या डायरी में रख दिया जाए, तो इससे आपके कुंडली के जो ग्रह होते हैं, यानी कुंडली के ग्रह के कारण ही हमारे जीवन में कई तरह के उतार चढ़ाव आते हैं, और कुंडली में राहु एक ऐसा ग्रह होता है जो जीवन में बहुत सारी प्रॉब्लम को क्रिएट करता है, यानी बहुत सारी प्रॉब्लम जो जीवन में आती है उसका बहुत हद तक राहु का भी हाथ रहता है। अगर आप राहु ग्रह से संबंधित परेशानी से जूझ रहे हैं, तो आपको अपने पास या फिर अपने घर के उत्तर पश्चिम दीवार पे मोर पंख जरूर लगाना चाहिए।